सो अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, कैसे हो सब। मैं नाम एसन नज़र और आप देख रहे हो एसन गेमिंग। तो आज कहूँ आप लोग के लिए भाई एक और न्यू धमाकेदार वीडियो लेकर, और इस वीडियो के अंदर हम खेलने वाले हैं टैटू स्ट्राइकर और क्वीन पग से। मतलब के स्टार्ट से लेकर एंड तक के हमारे पास टैटू स्ट्राइकर और क्वीन पग ही होगी, और ऐसे में भाई लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ मुंबई अरीना आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये गेम सारे के सारे लेटेस्ट वर्जन के अंदर खेले गए हैं, और उसका अंदर तो आपको पता है यार अभी तक तो लूलो बैंड है, और बाकी दिन भी लूलो बैंड है तो अच्छा रहेगा भाई, क्योंकि फेयर प्लेस के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे मौका है कि वो खेल सकते हैं बड़े टेबल में बिना झिझक। ठीक है, अभी तक मुझे कोई हैकर भी नहीं मिला है इस वर्जन के अंदर, तो ऐसे में हैक भी अभी तक नहीं है। तो भाई मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है इस वाले वर्जन में, क्योंकि भाई देखो अभी देखो सपने सर क्या होता है, अभी आपको देख लो भाई। तो देख लो भाई, फेयर खेलने में ये होता है कि ईजी ईजी शॉट जो होते हैं ना वो आराम से मिस हो जाते हैं, मतलब कि क्योंकि लूलो लाइन तो होती ही नहीं है, तो ऐसे में आपको पता है भाई लोग यहाँ पे मिस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में भाई लोग मैं भी खेल ही रहा हूँ अभी, और मेरी टर्न आ चुकी है तो अभी तो उसको हम टर्न नहीं देंगे। ठीक है, और ऐसे में इस वजह के अंदर भाई लोग बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, मतलब के 100 लेवल से प्लस ही आ रहे हैं, क्योंकि एक तो 100 के बोर्ड है वहाँ पर 4 से 5 प्लेयर ही खेल रहे हैं, और वहाँ पर सब बड़े बड़े प्लेयर खेल रहे हैं। ठीक है भाई लोग, तो ऐसे में छोटे मोटे प्लेयर्स तो अभी नहीं खेल रहे हैं इस बोर्ड में बड़े टेबल में, तो बट फिर भी खेल रहे हैं यार। तो मैं तो मुंबई तक ही गया हूँ भाई, क्योंकि कॉइन्स अभी बहुत कम है और कुछ आगे का पता नहीं है कि न्यूयॉर्क सिंगापुर में हैकर ना मिल जाए तो फिर तो यार मतलब सारा मूड ख़राब हो जाएगा फिर, मतलब कि जितने कॉइन्स बनाए ना कराची खेल खेल के तो वैसे सब एक झटक में सब उड़ जाएगा यार। तो चलो यार बातों बातों में मैंने पहला गेम भी फिनिश मार दिया है, और दूसरा गेम भी लगाया, दूसरा गेम में भी अपोनेंट का टर्न देते क्या करता है, अरे ये क्या कर रहा अपोनेंट ने। तो चलो देखो भाई इसको मैं ब्रू शॉट कैसे लेने वाला हूँ। तो देखो भाई लोग परफेक्टली ब्रू शॉट जाता है, जिससे हमारे को एक सपोर्ट मिल चुका है नीचे आके, जो पग रुकी है अभी उसी से ही हम पूरा बोर्ड खोलेंगे। और अपोनेंट देखो हमें चुप करने वाला है, मुझी भेज रहा है, तो भाई इसको सही में चुप करवाते हैं अब हम। ठीक है, तो अभी देखो भाई कनेक्शन जा रहा है एक राइट में, आप देखो किस तरीके से इसको मारता हूँ मैं। उससे पहले यहाँ पे टॉप लेफ्ट में एक शुरू से पग में मार देता हूँ। ठीक है भाई, देखो जो पग आपके सामने दिखे ना यार ये सिंपल जा रही है, उसको मार दिया करो। अब देखो एक इनडायरेक्ट मेरे लिए परफेक्टली बन चुकी है, अब देखो मैं किस तरीके से इसको राइट में लेता हूँ। तो ये देखो भाई अभी लगता है मुझे बोर्ड फिनिश हो गया है, बट यार देखो भाई यहाँ जाके जो अटकी तो उसने भाई सारा काम ख़राब कर दिया वहाँ पे अटकने के बाद। तो चलो कोई नहीं, इसको भी हम निकाल लेंगे। तो रेड के ज़रिए भाई लोग देखो मैं किस तरीके से इसको निकालता हूँ, आप खुद देखिए भाई लोग। तो ये देखिए भाई निकल चुकी है परफेक्टली वपक भी, और इसको हम छुप करने वाले मुझी, अरे तो भाग गया पहले ही। तो चलो भाई लोग ये पहले ही भाग गया, वरना ऐसे में भाई लोग मैं इसको मुझी भेजते छुप करने वाला, इसने हमें छुप कराया, हमने इसको छुप कराया सही में हरा कर। तो ये देखिए भाई ये भी अपोनेंट का ही टर्न है, और इसी में जो मैं फेयर की बात शुरू से करते आ रहा हूँ कि इसमें सब फेयर प्लेयर मिलेंगे, तो ऐसे में अभी देखो भाई ये वाले अपोनेंट के साथ क्या होता है अभी आप देखते रहिए। ठीक है, अभी ये नेक्स्ट पक भी इजीली मार लेगा अपनी रेड वाली पक को, ये चाह रहा है कि थोड़ा क्लियर करे, लेकिन करने में कामयाब हो चुका है। लेकिन यहीं पर माइंड वाली बात आती है, यहाँ पर आप किस तरीके का शॉट लेते हो। तो ये देखो भाई इसके साथ क्या हुआ, ये देखिए। तो ऐसे में भाई लोग उसने मिस कर दी, और हम ईजिली भाई लोग वो जीत चुके थे मैच, बाकी आगे वीडियो क्रैश हो गई थी यार, जिससे वीडियो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि लंबी हो जाती। ठीक है, वैसे ही अभी ये 9 मिनट की 8 मिनट की वीडियो बनेगी, तो ऐसे में अगर मैं वाला भी डालता भाई लोग तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। ठीक है, तो मैं आराम से जीत चुका था। चलो भाई अब नेक्स्ट गेम पे देखते हैं फोकस। तो ये गेम पे हमारा ब्रेक टू फिनिश है। ठीक है, इसमें अपनी टर्न आई थी, तो हमें तो पता है भाई अपना टर्न आएगा तो हमें ब्रेक टू फिनिश मारना ही है। तो ऐसे में भाई लोग देखो अभी स्टार्टिंग तक गेम बिल्कुल ठीक जाता है, लेकिन एंड में जाके एक पक हमारी जो है वो फंस जाती है, और उसको तो भाई लोग हम कैसे लेंगे आप खुद ही देखिए। तो अभी यहाँ से इसको हम लेते हैं कट। तो देखिए भाई बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है, तो ऐसे में कनेक्शन शॉट जा रहा है, किस शॉट्स को आप बोल सकते हो टॉप लेफ्ट के अंदर, तो बड़ा ही ध्यान से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए भाई लोग टैटू स्ट्राइकर का जो एम है कितना हेल्पफुल साबित होता है ये फेयर प्लेयर्स की, जो मैं पहले ही थंबनेल में लगाया था, तो यही मेरा मकसद था भाई लोग, क्योंकि इसका एम और टाइमिंग बहुत ही ज़बरदस्त, और इसका पावर भी यार दो कम है, मतलब कि हम तेज़ शॉट भी मारेंगे तब भी हम बच सकते हैं। यही एक अच्छी चीज़ है मुझे स्ट्राइकर के अंदर लगी कि इसका पावर भी ज़्यादा नहीं है, मतलब पावर ज़्यादा तो पग भी निकल के आ जाती बाहर, तो आपको पता ही है भाई लोग। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, गेम पे फोकस करते हैं। आप लोग देख ही रहे हो किस तरीके से मैं धड़ धड़ फिनिश मार रहा हूँ। ऐसे में यार इसमें भी वही सीन होता है, जो साइड में रखी था वो कॉर्नर में पग वो फंसी रहती है एंड तक के, तो उसको देखना भाई किस तरीके से थर्ड लेके मैं मारूंगा। तो अभी इसको पॉट करते हैं, अभी इसको इनडायरेक्ट लेते हैं। ठीक है, तो ये बैक शॉट हम इसको ले लेते हैं, तो ये भी परफेक्टली पॉट हुआ है। तो अभी यार इस शॉट के लिए मैं तो अदर टाइम भी वेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता है मैं मारूँ तो मारूँ कहाँ। तो देखो भाई फिर भी मेरा दिमाग में पड़ जाता है यार कि उसके पक से लग के जा सकती है। ठीक है, तो ये देखो भाई लोग कितने कम गैप से मारता हूँ उसकी पक के बराबर से, ये देखिए भाई परफेक्टली बॉड होती है यार ये वाली पक भी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले पर।
तो ये देखिए भाई, जो थंबनेल में था वही प्लेयर से हमारा मैच लग चुका है, उसका 2.1 बिलियन विनिंग है भाई। ठीक है, तो ऐसे में शायद मेरा सब्सक्राइबर था या मुझे जानता था, तभी इसने शायद फाउल करके मुझे दिया स्माइल इमोजी भेज कर, आई डोंट नो। बट हम तो भाई आपको पता है फिनिश करने की ट्राई करेंगे हमेशा की तरह। तो देखो भाई इसको किस तरीके से मैं ब्रेक फोड़ता हूँ, तो देखिए भाई लोग कैसा लगा ये आपको ब्रेक यार। अगर आपको ये ब्रेक अच्छा लगा तो यार ज़रूर बताना कमेंट करके। तो अभी यार देखो मैं फंस चुका हूँ, लेकिन फंसा नहीं हूँ मैं, अभी भी फिर भी ट्राई करूँगा। तो देखो यार ये पग में क्या होता है भाई, ये मैंने चले जाता है लकी शॉट यहाँ पे। तो चलो कोई नहीं यार, इस पार्ट ऑफ द गेम, अपोनेंट कितने लकी शॉट जाते हैं, आज हमारा चलेगा तो क्या हो जाएगा भाई, कुछ नहीं होगा यार। तो चलो भाई लोग अभी भी थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसको हम रिलीज़ करने की ट्राई ज़रूर करेंगे भाई, कभी हिम्मत नहीं आनी चाहिए जैसा भी बोर्ड फंसा हुआ। तो देखो उसको कट लेके हमने वाली पक भी इसको धक्का दिया है, और ऐसे में आपको नीचे दिख रहा है उसकी पक के बराबर में मेरी पक अटकी हुई है, उसको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मारना। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो रेड भी यार बड़ी ख़राब पोजिशन में हो चुकी है भाई लोग, मतलब कि वो निकलने का चांस मेरे को लगता नहीं जब तक निकल पाएगी, और नहीं निकली भाई लोग। तो अभी देखो भाई लोग क्या फ़नी सीन होता है मेरे साथ यहाँ पे, ये देखो भाई लोग, ये देखो यार ये क्या था। लेकिन यार घबराना बिल्कुल भी नहीं आपको, मैं फिर भी फाइनली मैच जीत चुका था। ठीक है, उसका वहाँ पे फाउल हो गया था, उसने मिस कर दी थी, तो ऐसे में मैं जीत गया था। तो ये भी भाई लोग ब्रेक टू फिनिश गेम प्ले है। ठीक है, तो आज की वीडियो यार इतना ही था, अब आप वीडियो को म्यूज़िक के साथ एंजॉय करो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए यार टेक केयर और गुड बाय।